हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आम का मुरब्बा बनाएंगे। ये मुरब्बा काफ़ी टेस्टी और ठंडक प्रदान करने वाला होता है। इसे आप पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 1 किलो ताजी कच्चे आम लिए हैं। इन्हें हमने रात भर पानी में डाल के रखा था, जिससे आम की गर्मी निकल जाती है और मुरब्बा ठंडक देता है। हमने आम छील के तैयार कर लिए हैं। अब पीस काटते हैं। मुरब्बे में बड़े पीस डाले जाते हैं, पर हम मुरब्बा ज़्यादा नहीं बना रहे तो हम ये छोटे पीस भी डाल देते हैं। हमने आम से गूदा निकाल लिया है, अब इसे उबालते हैं। हमने स्टील के कुकर में 5 कप पानी गर्म होने रखा था। पानी में उबाल आ गया है, कटे हुए आम डाल देते हैं। कलछी से थोड़ा दबा देते हैं, जिससे सारे टुकड़े पानी में अच्छी तरह डूब जाएं। प्लेट से ढक देते हैं और 5 मिनट उबलने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा के देख लेते हैं। उबाल आना शुरू हो गया है, थोड़ा चला देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे सारे टुकड़े अच्छी तरह उबल जाएं। अभी आम कच्चे हैं तो हम ढक्कन लगा देते हैं और 2-3 मिनट पकने देते हैं। थोड़ा साइड में खुला छोड़ देंगे, जिससे स्टीम निकलती रहे और पानी ना निकले। 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं। हमें आम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा नरम करना है। चेक करके देखते हैं आम पकाए कि नहीं। हमने चाकू लगाया है, आम अच्छी तरह दब रहा है। गैस ऑफ कर देते हैं और आम को छन्नी में छान लेते हैं। छानने के लिए हमने एक बोल लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और छानेंगे। हमने आम का पानी निकाल दिया है। जो ये पानी बचा है, इसे फेंकेंगे नहीं, इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। आम को दूसरे बोल में निकाल लेते हैं। अब चीनी डालते हैं। 800 ग्राम चीनी है, कप से नापेंगे तो 4 कप चीनी है। आम खट्टा होता है, इसलिए चीनी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। चीनी डालने के बाद बोल को ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद मुरब्बा बनाएंगे। 2 घंटे हो गए हैं, चीनी का पानी बन गया है। आम से जो पानी निकला, उससे चीनी अच्छी तरह घुल गई है। अब इसे पकाते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए हमने स्टील का कुकर लिया है। कुकर की जगह कढ़ाई, भगोना, कुछ भी ले सकते हैं। हमने चीनी को आम के साथ रखा था, तो चीनी का पानी बन गया है, तो हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुरब्बा जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। हमने फ्लेम को मीडियम पर रखा है। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, जिससे चीनी या फिर आम तली में ना लग जाए। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, इन्हें डालने से मुरब्बे में अच्छी खुशबू और कलर आएगा, साथ ही टेस्ट भी बढ़ जाएगा। 4 कुटी हुई इलायची हैं, इससे मुरब्बे में अच्छी खुशबू आएगी। पंद्रह बीस केसर के धागे हैं, थोड़ी चाशनी डाल देते हैं, जिससे इसमें अच्छा कलर आ जाए। केसर डालने से मुरब्बे में अच्छी खुशबू, कलर और स्वाद आता है। केसर डालना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी मुरब्बा बन जाता है। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब चाशनी काफ़ी गाढ़ी दिखाई दे रही है, चेक करके देखते हैं। तो 2-3 बूंद चाशनी प्लेट में डालेंगे और ठंडी होने के बाद चेक करेंगे। ठंडी हो गई है, चेक करके देखते हैं। एक तार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारा मुरब्बा बन गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और मुरब्बे को ठंडा होने देते हैं। हमने इसे जाली से ढक दिया है, ठंडा होने देते हैं और दालचीनी को अपना काम करने देते हैं। ये आम वाला पानी है, इससे गर्मी के लिए ड्रिंक बनाते हैं। ड्रिंक बनाने के लिए हमने 2 ग्लास लिए हैं, थोड़े आइस क्यूब डाल देते हैं। हम 2 तरह का ड्रिंक बनाएंगे। 1/4 चम्मच काला नमक है, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी है, 1/4 छोटा चम्मच सूखे हुए पुदीने का पाउडर है। अब पानी डालते हैं। चीनी केवल हमने इसी ग्लास में डाली है।
अब दूसरे ग्लास में पानी डालते हैं। ये हमने पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, एक बड़ा चम्मच इस दूसरे वाले ग्लास में डाल के मिक्स कर देते हैं। ये हमारा जलजीरा या फिर गोलगप्पे का पानी बनकर तैयार है। और ये हमारा आम का पन्ना भी बनकर तैयार है। आम के बचे हुए पानी से हमारे दो ड्रिंक बनके तैयार हो गए हैं। ये हमें गर्मी में ठंडक देते हैं और लू से भी बचाते हैं। 5 घंटे हो गए हैं, हमारा मुरब्बा भी ठंडा हो गया है। दालचीनी की वजह से कितना सुंदर कलर आया है आप देख सकते हैं, मुरब्बा काफ़ी अच्छा बना है। अब हम मुरब्बे को कंटेनर भर के रख देंगे और साल भर तक जब मन करेगा तब खाएंगे। हमने इसे गर्म पानी से अच्छी तरह धो के धूप में सुखा लिया है, इसमें कोई नमी नहीं है। अब मुरब्बा डालते हैं। चाशनी एकदम शहद की तरह गाढ़ी हो गई है। मुरब्बा रखने के बाद कभी आपको लगता है कि चाशनी पतली हो गई है तो आप इसे गर्म करके गाढ़ा कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अब आपको पास से दिखाते हैं। एक एक पीस पारदर्शी दिखाई दे रहा है, इसमें चाशनी अंदर तक गई है। मुरब्बा देखने में नहीं खाने में भी लाजवाब है। आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।